सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय जौनपुर की पावन धरती पर हूँ और मैं जौनपुर के सभी राजा महाराजाओं को राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन 9 अक्टूबर लखनऊ के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। आज यहाँ बहुत बड़ी बैठक हुई, पूरे जौनपुर के जितने भी जिंदा जागरूक पक्के मिशनरी लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब को समझा है, जिन्होंने बुद्ध को समझा है, जो विगत 40 सालों से मिशन आंदोलन का, बहुजन मैत्री का कार्यक्रम कर रहे हैं, आज वो सभी लोग बैठक में आए हैं और सभी लोगों ने बहुत बड़े उत्साह के साथ लखनऊ जाने का मन बनाया है। मैं एक बार अपील करता हूँ, अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाइए, सब लोग अपना अपना देखिए, सभी लोग लैस हैं और सभी लोग मन बना लिए हैं। मैं चाहता हूं एक नारा बढ़िया सा हो जाए, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। सभी लोग तैयार हैं और मैं अपील करता हूं, आप भारत में जहां भी रहते हैं, चाहे जिस तहसील में, ब्लॉक में, जिले में, राज्य में, आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान का लाभ लेने के माध्यम से, स्वच्छ पानी पीने के माध्यम से, अच्छा मकान में रहने के माध्यम से, सरकारी आरक्षण पाने के माध्यम से, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति थी उसको अपनाएं और इस गंदी देवी देवताओं को, इन आडंबरों को नाली में फेंकने का काम करें, जिन्होंने सिर्फ अपमान करने का काम किया है। चलो हम सब लखनऊ चलते हैं और बौद्ध बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय